हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ। तो यार आज प्रथम शुरू करेगा, प्रथम है देहरादून। तो आज आपको पूरा देहरादून का टूर घुमाएगा वो। इतने हम घर निकलते हैं, इतने आप उसकी वीडियो देखो कि कहाँ कहाँ देहरादून में कहाँ कहाँ घुमाता है वो। चल भाई हो जाओ शुरू। हेलो गाइस, क्या हाल है? अब हम सब जने ये स्पर्श फर्स्ट ब्लॉग में आपसे मिला था, अगर आपको सबको याद हो तो। हेलो गाइस, तो अब हम लोग मतलब यहाँ पे आए थे जब देहरादून तक, मसूरी नहीं नहीं मसूरी तक हमने सोचा था, लेकिन मसूरी तक हम जा नहीं पाए इतने ढंग से घूम लिया बस कैंप के। मसूरी हम एक रात एक दिन रुक के आए और ये बोल रहा है कि मसूरी तक हम जा नहीं पाए। अरे एक दिन वैसे नहीं रुके, मतलब रुके ही नहीं थे, वैसे नहीं रुके, वहाँ होटल वगैरह मिली नहीं हुआ था हमें कुछ भी। तो अब हम देहरादून में वहाँ जा रहे हैं शास्त्री धाबा पे, तो आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं शास्त्री धाबा। इतना जगह व्यवस्था देखो यहाँ कैसा है, ये देखो सब। हाँ जी, तो गाइस देखिए हम यहाँ पे शास्त्री धाबा देहरादून पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो कि मतलब हर जगह गाड़ियां खड़ी हैं। पहले भी पार्किंग का टोल देना पड़ा था, अब भी पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे। पार्किंग की तो यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है जगह। अब चलिए आपको दिखाते हैं हम शास्त्री धाबा पे। पहले तो देखिए यहाँ पे सामने देखिए जगह। तो देखिए गाइस हम सब यहाँ आ चुके हैं, अब हम नीचे जाएंगे यहाँ पे नहाने। हमारे घर भैया भी आ चुके हैं। गाइज यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे अगर किसी को भी मतलब स्किन में कोई इन्फेक्शन वगैरह होता तो यहाँ के पानी से सही हो जाता है। तो लोग बाग यहाँ का पानी पता है भर के भी लेके जाते हैं। तो देखते हैं जरा क्या है पानी, ठंडा या गर्म। तो रोबर्स केव तो हम जाएंगे बाद में, फिलहाल हम जा रहे हैं जू। यहाँ पे देहरादून में जू है तो वहाँ पे जा रहे हैं, देखना जरा। तो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं देहरादून जू पे, हम सब लोग आए हैं यहाँ पे। तो शास्त्री धाबा से अभी नहा के आए हैं, वहाँ पे चोट वगैरह तो बहुत ज्यादा लग गई। तो चलो अब आपको अंदर लेके चलते हैं जू में। मास्क जरूर लगाते हैं भाई, यहाँ पे बिना मास्क के एंट्री नहीं है। तो देखिए एंट्री दिस वे हम चल रहे हैं, ये जू के अंदर हम घुस चुके हैं। चलते हुए आपको जू दिखाते हैं कंप्लीट। कौन सा कैमरा डाउन राइट, पहले बर्ड्स देख के आते हैं, आ जाइए। ये देखिए ये वाली बर्ड, ये बहुत ही सुंदर बर्ड है। ये कैसे कर रही है, ये दूसरी वाली दिखाते हैं। एक देखो ये बैठी है कोने में, आगे आ जाइए, आगे दिखाते हैं। ये देखो पैरट्स, कॉकटेल नाम है लेकिन इनका कॉकटेल। और ये देखिए देखो ऊपर भी है, ये देखो वो अंदर जाए वो कोने में जो है, देखो जूम करके दिखाते हो एक सेकंड, वो ही देखा। इसके हमारे नॉर्मल पैरट्स हैं, इनके बच्चे यही तो पता ही है। ये देखे गाइस, अरे वाह तेज से देख, ये देखिए यहाँ पे पीकॉक। ये देखिए इसको, ये देखिए गाइस ये बैठे कैसे है, देख रहे हैं गाइस आप क्या शो मचा रहे हैं। ये बैठा तो इस साइज देखिए जरा इसका कितना बड़ा है ये। तो ये देखिए गाइस ये है आपको टॉर्टोइस, ये कितने साल है। उधर से ऐसे वापस मतलब क्या था ये? नहीं वापस बस इधर से घूम कर बाहर नहीं, उधर जैसे हमने इधर का टर्न लिया है सीधा भी तो था रास्ता, सीधा ना रास्ता नहीं, वहां से
नहीं नहीं इसी साइड जाना है। चलते हैं जब ऊपर। तो गाइस ये आपका स्नेक हाउस, अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। तो काफी सारे स्नेक है, देख लीजिए आप एक बार इतने। यहाँ पाइथन है आपका, पाइथन। ये देखिए गाइस ये सो रहा सामने जस्ट एकदम नीचे। गाइस तो हम निकल चुके हैं यहाँ से जू से। देखिए हम सारे सारे भाई आ चुके हैं। हाय करते यार। हाय। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये आपको देखो वो लिखा पीछे देहरादून जू, आगे भी लिखा आएगा, दिखाते हैं। चलिए अब पहले कुछ खाना खाएंगे, भूख लग गई है। नाले भी दिखा दो भाई। कुछ खाया ही नहीं है। अब देखना ये जो हमारे भाई हैं, ये सोनू भाई, ये इनकी गाड़ी है। हमें पहले मतलब ये सोचते हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो गाड़ी वाड़ी कौन सी होगी, तो लेकिन गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू निकली है, अर्टिगा एकदम नई गाड़ी है ये। इसके अंदर दिखाएंगे अभी। सोनू भाई गाड़ी लेके आ दी आप, इतने आए हो गाड़ी लेके, चलो तो दिखते हैं भाग। तो गाइस हम दोनों आ चुके हैं यहाँ पे बाबा केव पे। मौसम आप देख सकते हैं बारिश पड़ रही है इस टाइम। यहाँ पे खाना खाया यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, खाना भी नहीं खाया था इनको, लेकिन बारिश तो कोई मतलब नहीं। तो कैसे बैठे हैं यहाँ पे हैं। ये देखो ये आपका बॉबर्स केव, ये वा बोर्ड, वेलकम टू द बॉबर्स केव। अब देखते हैं इसके अंदर जाएंगे, वैसे इसके अंदर चल के अब दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ है। हाँ जी तो हम यहाँ बॉबर्स केव में आ चुके हैं। और देखो यहाँ पे ये स्पर्श और ये हमारा शहनवाज सोनू भाई है। समझे पानी देख लो, और माहौल तो आप यहाँ का देख ही लो कैसा है, बहुत कैड़ा। बारिश पड़ रही है इस टाइम गए थे यहाँ पे। चलिए तो अंदर का दिखाते हैं। बॉबर्स केव ये देखिए आपका, चलो अंदर आओ चलते हैं। देखिए गाइस, गाइस बारिश पड़ रही है अभी तो, थोड़ी देर में दिखाएंगे एक आपको। बॉबर्स केव आलिया, ये गाइस आपकी बॉबर्स केव, ये देख लो यहाँ से। अरे कहाँ पे हो आलिया, आलिया हाँ दिख गए। देखो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, फोटो खींचने देखो गाइस। जी गाइस तो देखो हम अपना वॉबर्स केव से निकल चुके हैं। काफी कुछ तो आपको दिखा दे, काफी कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे हमें अपना फोन मतलब नीचे रखने जेब में रखना पड़ा। देख लो यार सामने दिख गया, स्पर्श आ जा। तो बहुत सारी जगह मतलब फोन रखना पड़ा यार, पत्थर वगैरह ऐसे हम लोगों ने गिर जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा आपको दिखा दिया, और भाई बहुत ही सही जगह है यार, आना कभी यहाँ पे वॉबर्स केव में। अंदर कैंटीन वगैरह भी है, मतलब सारा सारा एकदम गुफाओं का इलाका है अंदर। और नीचे ये नदी बहती बहती है, देख सकते हो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कंप्लीट बहुत अंदर तक है। जो सामने ना अंधेरे वाली जगह वहाँ पे बहुत अंदर तक है ऐसा। हाँ तो गाइस ये रही बुलबुल। हाँ तो गाइस प्रथम का व्लॉग आपने देख लिया होगा, लड़का व्लॉग बना रहा है अपने आप, आज फर्स्ट व्लॉग है उसका। तो यार उसने मजे तो पूरे कर रहा है, अच्छी तरह घूमने गया है। तीन जने थे ड्राइवर के साथ गए थे, तो यार उसने वीडियो उसने ना घूमते समय गलती करी है, वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दूंगा। बट वो गलती यार आप मत करना, बहुत रिस्क रहता है, तो अपनी सेफ्टी पहले है। तो रुक तो जा, अपनी सेफ्टी पहले है। तो यार पूरी उनने रुक तो जा, उनने पूरी वीडियो बनाई है। तो यार उसने रोवर्स केव घूमा था वो, तो यार रोवर्स केव में ना उनने पूरा दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी और अंदर एंट्री नहीं मिली। हाँ। तो यार मेरा इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इंस्टाग्राम फॉलो करो, उसमें वीडियो देखो कि रोवर्स केव क्या मतलब क्या है, कैसा दिखता है अंदर से। बहुत अच्छा है, घूमने जाओगे तो जरूर देखना।
थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप कैसे? अच्छे से तो बोल दे। एक सुंदर सा वीडियो बनाया। हाँ तो यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, कर जरूर देना। कभी देख के चले जाते हो आप लोग तो थोड़ा सपोर्ट कर दो। और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग तो यार मैं आज बना सकता था अपना, बट उसने कहा कि भैया आज मैं व्लॉग बनाऊंगा देहरादून का, कहाँ घूम रहा है। तो यार देखो उसे, तो आगे मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।